सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने आज सही ठहराया। 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने के प्रोसेस में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और इस आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। लेकिन नोटबंदी का ये फैसला लिया क्यों गया, इस फैसले का असर कहां कहां पड़ा और इस नए गुलाबी 2000 के नोटों का गायब होना इसी नोटबंदी से कैसे जुड़ा हुआ है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। तो 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 और 500 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। इसके पीछे केंद्र सरकार ने ये कहा था कि 500 और 1000 के नोटों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जाली करेंसी, टेरर फंडिंग, काले धन और टैक्स चोरी जैसे प्रॉब्लम से निपटने के लिए ये एक असरदार तरीका था। आज से 6 साल पहले 8 नवंबर 2016 को पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संदेश में रात 12 बजे 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था। उस समय सरकार को उम्मीद थी कि नोटबंदी से कम 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का काला धन बाहर आ जाएगा। हालांकि पूरी कवायद में 1 करोड़ 3 लाख रुपए का काला धन ही सामने आया। नोटबंदी से नकली नोटों में कमी, डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी, बेहिसाब आय का पता लगाने जैसे कई फायदे भी हुए। अकेले अक्टूबर 2022 में 730 करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ, यानी एक महीने में 12 लाख करोड़ रुपए का लेन देन रिकॉर्ड किया गया, जो 2016 में 1,09,000 ट्रांजैक्शन यानी कि करीब 6,952 करोड़ रुपए था। और फिर एंट्री हुई 500 रुपए के नए और 2000 रुपए के बड़े नोट की। इनमें से 500 वाले नोट तो मार्केट में है लेकिन 2000 वाले गायब हो गए। दरअसल देश में साल 2017 से 18 के दौरान 2000 के नोट सबसे ज्यादा चलन में रहे। तब बाजार में 2000 के 33,630 लाख नोट थे जिसकी संख्या साल दर साल कम होती गई और ये सब हुआ एक प्लानिंग के तहत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2016 से 17 से लेकर ताज़ा 2021 से 22 तक की एनुअल रिपोर्ट्स की बात करें तो आरबीआई ने 2016 से लेकर अब तक 500 और 2000 के कुल 6,849 करोड़ करेंसी नोट छापे थे। उनमें से 1,680 करोड़ से ज़्यादा करेंसी नोट सर्कुलेशन से गायब हो गए। इन गायब नोटों की वैल्यू 9,21,00,000 रुपए है। इन गायब नोटों में वो नोट शामिल नहीं है जिन्हें खराब हो जाने के बाद आरबीआई ने नष्ट कर दिया। दरअसल कानून के मुताबिक ऐसी कोई भी रकम जिस पर टैक्स न चुकाया गया हो ब्लैक मनी मानी जाती है। तो इस 9,21,00,000 रुपए में लोगों के घरों में जमा सेविंग्स भी शामिल हो सकती है। मगर उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान इत्र कारोबारी पर पड़े छापों से लेकर हाल में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबियों के पड़े छापों तक हर जगह बरामद ब्लैक मनी में 95% से ज्यादा 500 और 2000 के नोट ही थे। मतलब सर्कुलेशन में गायब पैसा भले ही आधिकारिक तौर पर ब्लैक मनी न माना जाए मगर आशंका इसी की ज्यादा है कि इस रकम का बड़ा हिस्सा ब्लैक मनी है। अधिकारी मानते हैं कि काला धन जमा करने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल बड़ी डोमिनेशन की यानी कि 500 और 2000 के नोटों का इस्तेमाल होता है। शायद इसी वजह से साल 2019 से 2000 के नोटों की छपाई ही बंद है मगर 500 के नए डिजाइन के नोटों की छपाई 2016 के मुकाबले 76% बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि घरों में इस तरह जमा कैश कुल काले धन का 2 से 3% होता है। ऐसे में स्विस बैंक में जमा भारतीयों के काले धन पर 2018 की एक रिपोर्ट इस बात की आशंका बढ़ा देती है कि सर्कुलेशन से गायब 9,21,00,000 की राशि ब्लैक मनी ही हो सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंक में भारतीयों का काला धन 300,00,000 करोड़ है। इस राशि का 3% करीब 9,00,000 करोड़ रुपए ही होता है। उम्मीद करती हूँ कि कई सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। वैसे क्या आपके पास 2000 का गुलाबी नोट है, हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।